हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। GTL इंफ्रा शेयर के बारे में हम बात करेंगे। 0.86 करेंट प्राइस है एंड आज के सेशन में 3.37% की हमें गिरावट देखने को मिली है। फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस शेयर का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है जो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगी। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट टारगेट भी जानेंगे और आप समझते हो कि मैं आप इस शेयर को अवॉइड करने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इनका रिजल्ट भी इस पर बहुत इम्पैक्ट डालेगा। आज का हाई है 0.93, आज का लो है 0.84। इस शेयर का 52 वीक हाई है 1.84, लो है 0.64। शेयर अभी अपने 52 वीक लो के ही पास घूम रहा है, 20% का बैंड है। फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स नेगेटिव हैं, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। मार्केट कैप 1089 करोड़ का है, टर्नओवर है 5.676 करोड़ की, फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल्स नेगेटिव हैं, EPS देख लीजिए -1.43, एक बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है। फ्रेंड्स, 5G के बाद भी हमें इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिली, इवन शेयर तो और ज़्यादा गिरावट में चला गया। फ्रेंड्स, रीज़न है, डेप्ट बहुत ज़्यादा है। PE देखिए -0.60, ROE 40। क्या लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो जानेंगे एंड क्वार्टर फोर का रिजल्ट आपके साथ शेयर करूँगी। 11th ऑफ मे को रिजल्ट आ चुके हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फॉर द हाफ ईयर एंडेड मार्च, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द क्वार्टर। तो फ्रेंड, क्या रिजल्ट है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आया तो लॉस ही है एंड लॉस भी बढ़कर आया है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। मैं भी आपको शो करती हूँ डेटा, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही बताऊँगी। देखिए, मार्च क्वार्टर में लॉस आया है 755 करोड़ का, दिसंबर में था 463 करोड़ का, तो देखिए ऑलमोस्ट डबल हुआ है लॉस, तो ये एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। क्वार्टरली भी लॉस है 1816 करोड़ का, तो 755 करोड़ का लॉस आया है कंपनी को मार्च क्वार्टर में। तो फ्रेंड, शेयर में अभी गिरावट ही आप देखेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग ना के बराबर है 3.32%। क्या टारगेट्स हम इसमें लेके चलेंगे? रिजल्ट आई होप आपको समझ में आ गया। 755 करोड़ का लॉस है, बहुत ज़्यादा लॉस बढ़ा है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो दैट्स वाई फ्रेंड, शेयर अभी भी रिस्की जोन में है। पेनी स्टॉक्स है, कभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। 0.75 तक फ्रेंड ये जा सकता है डाउन ट्रेंड में, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। तो जो भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा तो आपको अपना पैसा सिक्योर करके ही चलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।